भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता ले लो। 199 ओनली 190 भैया, इतने में मैं कॉफी बर्गर ना ले लूं? रखो मैं जाना, गीता वीता खरीदूंगा। अबे क्या कर रही है, कि पैसे बर्बाद कर रही है? चल आगे जाके कोई बढ़िया नॉवल लेंगे, आ जाओ। अबे यार चल टपरी पे चाय वगैरह पीते हैं, चल चल जल्दी आ। ये कौन सुनने का टीचर है क्या भाई? ये भाई भगवत गीता वाला नहीं है? मतलब ये हमारे नए टीचर है? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सॉरी सर, हमें पता नहीं था आप हमारे नए टीचर हो। इसमें सॉरी की क्या बात है, आपकी गलती नहीं है इसमें। जो मेरा पहनावा है और मेरे हाथ में भगवत गीता देख करके कोई भी नहीं कहेगा कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। सॉरी सर, हमारा बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन सर एक बात बताइए, आप टीचर होकर गीता क्यों बेच रहे थे? एक टीचर होना पढ़ाना मेरा प्रोफेशन है और भगवत गीता बेचना मेरा अपने धर्म के प्रति प्यार। लेकिन आज मुझे ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई कि आप लोगों के लिए सब फिजूल है। नहीं सर ऐसा नहीं है। देखो बच्चों, हमारी ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जो हमें हमारे कल्चर से दूर कर दे। बस यही तो प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में, मॉडर्नाइजेशन की उनके लिए एक अलग ही डेफिनेशन है। भगवत गीता पढ़ने से या मेरे जैसे कपड़े पहनने से आप लोग मॉडर्न नहीं रहेंगे। भाट टपरी और कैंटीनों में बैठ करके आप लोग बेफजूल के स्मोकिंग में, खाने पीने में इतने पैसे उड़ा देते हो, और ये 199 की भगवत गीता आपके लिए बेफजूल है, वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन सर ये भगवत गीता हम क्यों ले, ऐसा क्या है इसमें? आपने जो हेडफोन्स लगाए हुए हैं, जब आपने इसे खरीदा होगा तो इसके साथ मैनुअल मिला होगा ना, उस मैनुअल में लिखा होगा इसके इंस्ट्रक्शंस, इसे कैसे यूज करना है। सेम उसी तरह भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल है, उसमें लिखा है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। भगवत गीता हमें ईश्वर के करीब ले जाती है, हमें सच झूठ असली गलत में फर्क बताती है और हमें सही से जीने का तरीका भी बताती है। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आप सबके लिए तो ये चीजें बेकार है ना, पॉइंटलेस, वेस्ट ऑफ मनी। सॉरी सर, हमें आप और शर्मिंदा मत कीजिए, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। हमें समझ आ गया है कि मॉडर्न इंसान कपड़ों या किताबों से नहीं बल्कि अपनी सोच से बनता है। और हम चाहे कितना ही पढ़ लिख लें, हमें अपने कल्चर और डिवोशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। सर अब तो भगवत गीता मिलेगी ना? जरूर मिलेगी। हरे कृष्णा, भगवत गीता ले लीजिए सिर्फ 199 रुपए में।